नमस्कार, जय हिंद। आई सिंधी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है बिहार स्थापना दिवस के बारे में है। आपको पता है कि बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ठीक है। और पिछले साल जो बिहार स्थापना दिवस है वो नहीं मनाया जा सका था कोरोना संकट की वजह से, लेकिन इस बार इसे सांकेतिक रूप से मनाए जाने की योजना बनाई गई है। और 22 मार्च को 11 बजे से करीब 1.5 घंटे का राजकीय बिहार दिवस समारोह आयोजित होगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, मशहूर कवि सत्यनारायण के द्वारा लिखित राज्य गीत से समारोह की शुरुआत होगी, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहारवासियों को संबोधित भी करेंगे, ठीक है। इस बार क्या थीम रखी गई है बिहार दिवस का, बिहार दिवस समारोह का? तो इस बार की थीम है जनजीवन हरियाली। क्या रखा गया है थीम? जनजीवन हरियाली, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जल जीवन हरियाली पर पेंटिंग की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। कुछ पॉइंट्स और देख लें। बिहार दिवस के मौके पर पटना आर्ट कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा जल जीवन हरियाली पर 50 पेंटिंग बनाई जा रही है, ठीक है। और इसकी जो प्रदर्शनी है वो ज्ञान भवन में लगेगी, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। रूस ने बैकाल झील में दुनिया के सबसे बड़े पानी के नीचे अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक को लॉन्च किया, ठीक है। बैकाल झील कहाँ पर है? रूस में है, इतना याद रखना है आपको। और इसमें कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो 2015 से दूरबीन का निर्माण किया जा रहा था और यह जो है वो छोटे कणों न्यूट्रिनो इनका निरीक्षण करने के लिए इस दूरबीन का निर्माण किया गया है। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो टेलीस्कोप है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर है, ठीक है। न्यूट्रिनो डिटेक्टर जो है वो भारत में भी बनाया जा रहा है, ठीक। तो बैकाल झील में भी यहाँ पर एक बनाया गया है। और बैकाल झील के बारे में अगर देखें तो यह दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, बैकाल झील, ठीक है। और ये जो टेलीस्कोप है उसमें चेक गणराज्य, जर्मनी, पोलैंड, रूस, स्लोवाकिया इनके वैज्ञानिकों के बीच साझेदारी का परिणाम है, मतलब कि इसमें कई देशों का सहयोग प्राप्त है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पुणे का ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय घोषित किया गया। पुणे का जो ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी है उसको दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय घोषित किया गया है, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं, इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड अकादमी के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। किसे? ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी। ये ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी है कहाँ पर? पुणे में है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें यहाँ याद रखनी है। और इसकी जो स्थापना है वो रोहन पाटे ने किया था, ठीक है, रोहन पाटे ने। और इसका उद्घाटन जो किया गया था वो 2012 में सचिन तेंदुलकर के द्वारा किया गया था, ठीक। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 51,000 से अधिक क्रिकेट से संबंधित वस्तुएँ हैं और लगभग 450 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने इस संग्रहालय का दौरा भी किया है, ठीक है। तो अपने आप में फिर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसने लॉर्ड्स क्रिकेट संग्रहालय, ब्रेडमैन संग्रहालय, वेस्टइंडीज क्रिकेट विरासत केंद्र, न्यूजीलैंड क्रिकेट संग्रहालय को क्रिकेट से संबंधित वस्तुओं के संग्रह के मामले में पछाड़ दिया है। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं क्रिकेट से संबंधित। इसे कैसल ऑफ क्रिकेट के रूप में भी जाना जाता है, कैसल ऑफ क्रिकेट के रूप में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व बैंक बांग्लादेश को 200 मिलियन यूएस डॉलर प्रदान करेगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक बांग्लादेश की मदद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मंजूरी दिया है। इसका जो उपयोग है वो किस संदर्भ में किया जाएगा? तो इसका उपयोग निम्न आय वाले जो शहरी युवा हैं उनको सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा, जो कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुए थे और साथ में और वो प्रवासी जो अपनी नौकरी खो चुके हैं या कोविड-19 महामारी के बीच अपने देश लौट आए हैं, तो उनकी मदद के लिए विश्व बैंक बांग्लादेश को 200 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, एक प्रोजेक्ट है जो चलाया जा रहा है विश्व बैंक के द्वारा, जिसका नाम है रेस। क्या नाम है? रेस, रिकवरी एंड एडवांसमेंट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रेस प्रोजेक्ट।
रिस प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक ने पेश किया है। इसका जो उद्देश्य है वो लगभग 1.75 लाख गरीब शहरी युवाओं को ट्रेनिंग कार्यक्रम, प्रशिक्षण, ठीक है, इंटर्नशिप, प्रशिक्षुता कार्यक्रम और सूक्ष्म रोजगार सहायता और परामर्श के द्वारा लाभान्वित करना है। कुल मिलाकर के रेस जो प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य है रोजगार प्रदान करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नई वाहन स्क्रैपिंग नीति। आपको पता है कि हमारे देश की सड़कों पर कुछ तो इतने खटारा वाहन चलते हैं जो लगभग मुझे लगता है कि 20 साल 25 साल पुराने वाहन हैं और उनके पास शायद ही कोई कागज हो, फिर भी वो सड़कों पे दौड़ते हैं। पुलिस उनको पकड़ती है तो आपको पता है कि भ्रष्ट विभागों में से एक है पुलिस डिपार्टमेंट और उसकी परिवहन जो डिपार्टमेंट है वो तो और, तो वाहन ऐसे दौड़ते रहते हैं और अंत में कभी ना कभी ऐसे वाहन दुर्घटना का कारण बनते हैं और उसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो सरकार यहाँ पर एक नई वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है कि जो बहुत ज़्यादा पुराने वाहन हैं उनको स्क्रैप कर दिया जाए। स्क्रैप का मतलब ख़त्म कर दिया जाए, उन वाहन को कटवा दिया जाए। तो सरकार इस नीति के माध्यम से कई चीज़ें होंगी। पहली चीज़ कि जो पुराने वाहन हैं उनको हटाया जा सकता है सड़क से, जान माल की रक्षा की जा सकती है, एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने कहा कि अगर आप अपने पुराने वाहन को स्क्रैप करवाते हैं तो जब आप नया वाहन लेने जाएंगे तो आपको छूट भी मिलेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारी ऑटो इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसको ग्रोथ, उसमें ग्रोथ होगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तो कई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, इन्होंने 18 मार्च 2021 को लोकसभा में वाहन स्क्रैपिंग नीति पेश किया जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी और इसकी जो घोषणा है वो 1 फरवरी 2021 को बजट भाषण में ही किया था हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। ठीक है, देखिए इस नीति में क्या बताया इन्होंने, इस नीति में बताया कि जो निजी वाहन हैं वो 20 साल के बाद स्वचालित केंद्रों पर फिटनेस परीक्षण से उनको गुजरना होगा। अगर वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, उनकी गाड़ी को, उन्हें अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाना पड़ेगा। बिना फिटनेस टेस्ट के कोई भी गाड़ी सड़क पे नहीं दौड़ेगी। दूसरी ओर जो कमर्शियल वाहन है उनको 15 साल के बाद ही फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा। यदि वाहन 3 बार फिटनेस टेस्ट पास करने में विफल रहे तो मालिक इसे सड़क पे नहीं चला पाएंगे। फिटनेस टेस्ट में क्या होता है, जो अभी भी देखते होंगे, आपको RTO ऑफिस जाना होता होगा अपनी 4-व्हीलर बाइक लेकर के और उसका फिटनेस टेस्ट करवाना होता है। ठीक है, तो उसमें वो लोग देखते हैं लाइट वगैरह जल रही है कि नहीं जल रही, ब्रेक्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ठीक, तो यहाँ पर नई वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी में ये बातें हैं। चलिए अब चलते हैं MCQs की ओर। बिहार स्थापना दिवस 2021 का थीम क्या है, तो इस बार का थीम क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जल जीवन हरियाली। ठीक है, जल जीवन हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े पानी के नीचे अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक को लॉन्च किया, तो यहाँ पर रूस, चीन, जापान, अमेरिका, तो इसका सही आंसर क्या है, रसिया। और रसिया ने कई देशों के सहयोग से मिलकर के बैकॉल झील में दूरबीन को लॉन्च किया है और यहाँ पर ठीक है न्यूट्रिनो के परीक्षण के लिए, न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने के लिए। आगे चलते हैं, ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय घोषित किया गया, यह किस देश में स्थित है, तो जो ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने किस एशियाई राष्ट्र को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता के रूप में देने की मंजूरी दिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, तो किस देश को अभी मदद देने की घोषणा किया, बांग्लादेश। ठीक है, ताकि जो ऐसे लेबरर्स, जो श्रमिक हैं जिन्हें COVID-19 की वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उनकी मदद की जा सके। नई वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत निजी वाहनों को कितने वर्ष के बाद फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, तो जो प्राइवेट वाहन होते हैं उनको 20 साल के बाद और जो कमर्शियल वाहन है उनको 15 साल के बाद फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। और अगर कोई वाहन 3 बार फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाता तो क्या होगा, मालिक उसको रोड पे नहीं चला सकता। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।